अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, यानी पेंट करने का, और अंदर जो हमने एडहेसिव शीट्स वगैरह लगानी थी इस पेंट्री के अंदर, वो वहां तक काम तो कम्प्लीट हो गया। और यहाँ आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस और क्या चेंज आया है, और कम्प्लीटली एक न्यू लुक आ रही है। और ये साइड पर जो आपको पेंट में थोड़ा सा मिसमैच नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर एक्चुअली एक और कोट होगा तो ये बिल्कुल दोनों मैचिंग हो जाएंगे और बिल्कुल एक जैसा कलर हो जाएगा। अभी वो थोड़ा सा गीला भी है और अभी इसके ऊपर मैं एक और कोट करूँगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए एक दिन के बाद मैं करूँगी। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं एक फैंसी सी लुक देने के लिए। मेरे पास ये वार्डरोब लाइट्स हैं, ये मैं इसके अंदर लगाऊंगी। और ये वार्डरोब लाइट्स इतनी क्यूट लुक देती हैं, इतनी फैंसी लुक देती हैं। और ये मैंने ली थी प्राइमार्क से, और वैसे ये आपको किसी भी स्टोर से जो होम स्टोर होता है वहाँ से मिल जाएंगी ईजीली। ये बहुत फैशन में है, बहुत इन है आजकल और बहुत ईजी टू यूज़। मैंने ये प्राइमार्क से ली थी, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। 3 यूरो की 2 हैं। इस ये जो मैं आपको अभी बॉक्स दिखा रही हूँ, इसके अंदर 2 लाइट्स होती हैं, 3 बैटरीज इसके अंदर जाएंगी, और पीछे इसके एक एडहेसिव पेपर अटैच होता है। उसको स्टिकर को आप रिमूव करेंगे तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है कि कोई वायर का सिलसिला नहीं है कि वायर कहाँ से लाएं और किस तरह से इसको ऑन करें। ये देखें, एक क्लिक से ही ये ऑन हो जाती हैं और बड़ी क्यूट सी मज़े की हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंने इनको घर में डिफरेंट जगहों पर यूज़ किया हुआ है। आपका जो बाहर टेरिस वाला सेक्शन, आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो, आप वॉशरूम में एमरजेंसी में, या आप रात को उठते हैं आप अपने बेड के साथ इसको लगा सकते हो कि आराम से एक क्लिक से ये ऑन हो जाए। और पेंट्री को बिल्कुल एक फैंसी और न्यू लुक देने के लिए मैंने इसके हर सेक्शन में एक एक लाइट अटैच कर दी है, जिससे ये बहुत क्यूट और बहुत मज़े की लग रही थी। तो अभी आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइट से पहले क्या कैसी लग रही है और लाइट के बाद कैसी लग रही है। पेंट्री का हाफ काम डन हो गया, लाइटिंग भी हो गई अंदर और पेंट वगैरह भी कंप्लीट हो गया। अब जो स्पाइसेस वगैरह अंदर हम रखेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए स्पाइसेस के लिए तो मैंने ये जो चिक पीस और ऑलिव्स की बॉटल्स थी इनको वॉश करके अच्छी तरह से रैक पर रख दिया था ड्राई होने के लिए। उसके बाद इनके जो लिड हैं और कवर्स हैं ना, इनको मैं एक जैसा पेंट कर लूँगी। उसके लिए स्प्रे पेंट जिंदाबाद है जी, बड़ा ईजी टू यूज़ है, आराम से किसी भी चीज़ पर आप पेंट कर सकते हो कवर पे, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, जितना मर्जी धोएं इतनी जल्दी उतरता नहीं है। तो इन सबको मैं एक जैसा कलर कर लूँगी, ब्लैक कलर में मैंने इन सबको कलर कर लिया था। स्प्रे पेंट हमने कर लिया, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और मीनवाइल हम लोग यहाँ पर जितने भी जार्स वगैरह हैं उनको ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह उनसे फिल कर लेते हैं। बाकी फिर स्पाइसेस वगैरह जब वो कवर्स उनके ड्राई हो जाएंगे फिर मैं उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डाल दूंगी। और जब भी आप चाहते हैं ना कि चीज़ें ऑर्गेनाइज लगें, एक जैसी लगें और देखने में भी खूबसूरत लगें, तो कोशिश किया करें कि एक जैसी चीज़ें मिलती जुलती एक दूसरे से हों, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज देखना चाहते हैं तो वो सिमिलर होगी तो वो अच्छी लगेगी, उसकी थीम एक होगी तो वो अच्छी लगेगी। जैसे नट्स और नट्स वगैरह के जार्स हैं, कोशिश करें कि वो उनका सारा वो सब एक जैसे हों, स्पाइसेस हैं तो वो सब एक जैसे जार्स में हों, तो बहुत क्यूट सी और अच्छी लुक देती हैं। और ये वाले कंटेनर्स मैंने टैडी शॉप से बाय किए थे, प्लास्टिक भी इनका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसके अंदर आ जाती है, लाइक 2 केजीज़ वाला दाल का पैकेट आराम से इसके अंदर फिल हो जाता है।
और जो ग्लास बॉटल्स मैंने वॉश करके रखी थी ड्राई होने के लिए, वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। और इसके अंदर मैं जितनी भी स्पाइसेस हैं वो सारी डाल दूंगी, और साथ में जो इनके कवर्स थे उनके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट किया था। और अब देखें इनकी लुक बिल्कुल इन बॉटल्स की चेंज हो गई है। और थोड़ा सा जब हम वॉश करते हुए विनेगर ऐड करते हैं ना, तो इन ग्लास बॉटल्स के अंदर बहुत अच्छी शाइन आती है। तो अब बस मैं ये इसके साथ ही मैचिंग इसका ये जो स्टिकर है ब्लैक मेरे पास, ये भी मैं टैडी शॉप से लेकर आई थी, तो इसको कट करके मैं इन जार्स के ऊपर लगा लूँगी। लेकिन मार्कर जो है ना वो मेरे पास अभी परमानेंट नहीं है, उसके वो मार्कर से मैं बाद में इसके जो जितने भी नेम्स हैं वो लिख लूँगी। स्पाइसेस जार बिल्कुल रेडी हैं और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और जब भी हम लोग जाते हैं ना किसी होम स्टोर को विजिट करते हैं, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाती है। अब ये स्टैंड है, इस ये इतना यूज़फुल है स्टैंड कि आप शेल्फ के अंदर एक और शेल्फ क्रिएट कर सकते हो। और कंटेनर्स या जार जब भी आप पेंट्री सेट कर रहे हो या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा लंबाई वाले जार्स जो होते हैं ना, लंबे जार्स वो देखें, उससे वो स्पेस कम लेते हैं। हम लोग जब बड़े बड़े जार्स, ये जिस तरह से मैंने पहले लिए हुए हैं, ये जिसमें खजूरें डाली हैं मैंने, तो ये मैंने पहले के बाय किए हुए हैं। अब अगर मैं बाय करूँगी तो मैं थोड़े से लंबाई में देखूंगी, वो जगह कम घेरते हैं और चीज़ उसमें ज़्यादा आती है। इस तरह क्या होता है कि कैबिनेट का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो खाली रहता है और बाकी जो है वो नीचे से सारा भर जाता है और स्पेस कम हो जाती है। वैसे मैंने ये काम जितना आसान समझा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि एक दिन मुझे पूरा लग गया था इसको पेंट वगैरह करने में और सेट वगैरह करने में, और नेक्स्ट डे फिर सारा ये ऑर्गेनाइज करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया था। और देखने में आपको वीडियो में काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन खैर मैं काफ़ी ज़्यादा अब तक थक चुकी हूँ और मेरा दिल कर रहा है बस चाय का एक कप हो और जल्दी से मैं पी लूँ। अभी इसमें मैं ये सारा टी कॉर्नर सेट कर रही थी जिसमें सारी ये ग्रीन टीज़ वगैरह हैं और साथ में ब्राउन शुगर और ये लेमन ग्रास है, कभी कभी इस्तेमाल हो जाती है। और इन टी बैग्स वगैरह को मैं इस कॉर्नर में रखूंगी जहां पर मैंने सारा टी टाइम रेडी किया है। लाइक शाम को जब चाय पीने का टाइम होता है तो उस वक्त ड्राई फ्रूट्स, कुकीज़ और ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होंगी ना, तो ढूंढने में, पकड़ने में आसानी होगी और देखने में भी अच्छी लग रही हैं। और इतनी मेहनत के बाद वैसे ये एक फ़ायदा हुआ है कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे और सेपरेट सेपरेट मुझे नज़र आ रही है। पता चल रहा है कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है और कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो मेहनत मेरा ख्याल है कि वसूल हो गई है मेरी जितनी मैंने की है। और ये वो वाला कॉर्नर है जो लास्ट कैबिनेट था जहाँ पर आटा रखा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से मैस था, और ये सबसे ज़्यादा डर्टी और मैसी पार्ट था। तो अब ये इतना खूबसूरत लग रहा है और सारी पेंट्री मेरी ऑलमोस्ट सेट है। और मेरा ख्याल है कि जो स्मॉल लाइट्स मैंने लगाई हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा लुक चेंज हो गई है। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने से ही ना मेरा ख्याल है हम लोग किसी भी चीज़ को इनोवेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और मैस तो किचन में काम करते हुए डेफिनेटली होता है, वो लाजमी सी बात है कि हम लोग जल्दी में होते हैं, कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें उधर ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि अगर वीक बाद या 2 वीक्स के बाद चीज़ों को दोबारा से सेट कर लिया जाए और थोड़ा सा देखभाल कर ली जाए तो इसी हालत में भी रह सकती हैं। और इस वक्त थकावट से मेरा बुरा हाल था और चाय की शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही थी, तो चाय बस पक रही है चूल्हे पर। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है नहीं देखा तो वो मैं फर्स्ट कॉमेंट में उसका लिंक पिन कर दूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो, कोई चीज आपको मिसिंग लग रही है इस पेंट्री में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।